स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा बोहर मॉडल, जिसमें हमने बोहर की सारी अवधारणाएं देख ली थी और हमने सीखा कि कैसे परमाणु की संरचना को बोहर ने बताया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोहर मॉडल के अनुप्रयोग, यानी उपयोग क्या क्या है बोहर मॉडल के, वो हम सीखने जा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिएगा आप लोग, जो बोहर का मॉडल होता है उसमें बोहर ने क्या बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, बोहर ने बताया ये नाभिक है और ये क्या है, कोष है। जब इस कोष में कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो क्या होता है, यहाँ हमें इसकी त्रिज्या को देखना होता है। क्या देखना होता है, त्रिज्या को देखना होता है। और त्रिज्या क्या होती है, ये हम लोगों को पता है, नाभिक से लेके इलेक्ट्रॉन तक की दूरी। फिर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से वेग से गति कर रहा है, कौन से वेग से गति कर रहा है, तो हमें वेग भी निकालना होता है, यानी हमें त्रिज्या भी निकालनी है और हमें वेग भी निकालना है। उसके साथ जब भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आएगा या निम्न से उच्च में जाएगा तो कुछ ना कुछ ऊर्जा का अवशोषण करेगा या ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो हमें वो ऊर्जा भी निकालनी है। यानी हमें बोहर मॉडल के अनुप्रयोग में तीन बातें करनी है, जिसमें से तीन बातें कौन कौन सी है, त्रिज्या निकालना, वेग निकालना और ऊर्जा निकालना। तो आई होप आप लोगों को थीम समझ में आ गई होगी कि हम उपयोग में क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है, विभिन्न कोष की त्रिज्या। क्या है, विभिन्न कोष की त्रिज्या, हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। अब देखिए त्रिज्या कैसे निकालेंगे, पहली बात तो आपको कैसे निकालेंगे से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको ओनली फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे, और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है बट कैसे निकाला जाता है वो पूरा प्रोसेस याद है तो आप पूरा प्रोसेस निकालोगे, उसके बाद में वो फॉर्मूला निकाल के उस क्वेश्चन में रखोगे और फिर आंसर निकालोगे, तब तक आपके 3 घंटे निकल जाएंगे और आप आसानी से सिलेक्शन को पा सकेंगे। अब वो जानते हैं आप कैसे पाएंगे सिलेक्शन को, इसलिए आपको ओनली फॉर्मूला ध्यान रखना है, बट हम एक जनरल बात करेंगे कि कैसे त्रिज्या का फॉर्मूला आता है। देखिए क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन गति करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है तो हमें पता है गति करते टाइम अपकेंद्रीय बल भी लगता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थित है तो यहाँ कूलाम्बिक बल भी लगता है। यानी यहाँ पे कौन कौन सा बल लगता है, एक तो कूलाम्बिक बल जिसकी हमने सबसे स्टार्टिंग में बात करी थी, और कौन सा बल लगता है, अपकेंद्रीय बल। कौन सा, अपकेंद्रीय बल। क्या होता है, जब कूलाम्बिक बल लगता है तो कूलाम्बिक बल क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। कूलाम्बिक बल और अपकेंद्रीय बल एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तब इलेक्ट्रॉन क्या है, संतुलन की स्थिति में है। अब देखिए यहाँ से आर, यहाँ से आर, इस एक आर से ये एक आर कट गया, बचा कितना आर, ओनली 1 आर बचा, यानी हमें त्रिज्या निकालनी थी, यानी रेडियस निकालनी थी, यानी आर निकालना था, तो आर की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से। फिर हम क्या करेंगे, इस एम वी स्क्वायर को किसी भी प्रकार से यहाँ से हटा देंगे और क्यू वन क्यू टू को भी यहाँ से हटा देंगे। अब क्यू वन क्यू टू को कैसे हटाएंगे, देखिए क्यू वन क्या होता है, आवेश है, क्या है, आवेश, और आवेश को हम जेड ई से लिख सकते हैं, यानी क्यू वन की जगह क्या लिखेंगे, जेड ई, और क्यू टू क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ई। तो ये क्या बन गया, के तो क्या है, नियतांक है, फिर बन गया जेड, और ई, और ई क्या बन गया, ई स्क्वायर अपॉन आर, और बराबर में क्या है, एम वी स्क्वायर। तो जब हम इस आर को इधर लाते हैं और एम वी स्क्वायर को नीचे की तरफ ले जाते हैं तो हमारी जो फाइनल वैल्यू बनती है वो ये बनती है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। क्या बचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, जब हमने इसको पूरा सोल्व किया तो ये बचेगा, क्या बचा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये क्या है, त्रिज्या का फॉर्मूला बन गया। कैसे बना, देखिए
ये जो के है वो ये रहा, जेड ई स्क्वायर, ये जेड ई स्क्वायर यहाँ से आया है, ये आर वाली वैल्यू यहाँ पहुँच गई। अब इस वैल्यू को क्या करा गया, एन एच अपॉन टू पाई से सोल्व करा गया, इस एम वी स्क्वायर को किससे सोल्व करा गया, एन एच अपॉन टू पाई से, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन टू पाई से। जब इसे सोल्व किया तो वहाँ से एन एच मिल गया, क्या मिल गया, एन और एच मिल गया, यानी आप लोगों को टोटली फाइनली क्या मिला, आर की ये वैल्यू मिली। और ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए जब जेट आई सी आर बी एच यू का पहले का एग्ज़ाम होता था तब ये वाला सीधा सा फॉर्मूला आता था, बट आजकल थोड़ा एग्ज़ाम है जो एडवांस हो गया है, एग्ज़ाम क्या हो गया, थोड़ा एडवांस हो गया है, तो आजकल ये वाला फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो कैसे ये फॉर्मूला बना, उससे मतलब नहीं है, बना कैसे, मैंने ये भी बता दिया कि क्या कर दिया हमने, ये वैल्यू रख दी और एम वी स्क्वायर इसको हमने एन एच अपॉन टू पाई से सॉल्व करके फाइनल ये वैल्यू निकाल ली। तो आर का फॉर्मूला क्या बचा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अब देखिए एन आपको पता है क्या होता है, सेल यानी कोस, एच क्या हो गया, प्लांक नियतांक पता है आप लोगों को, वैल्यू भी पता है, फिर है फोर पाई स्क्वायर ये आप लोगों को पता है पाई की वैल्यू, एम क्या है यहाँ पे द्रव्यमान, एम क्या है द्रव्यमान, ये आपको ध्यान रखना है, हो गया। के क्या है, ये भी नियतांक है, और ये कौन सा नियतांक है, कूलाम्बिक नियतांक, क्योंकि ये आया कहाँ से है, कूलाम्बिक बल वाला फॉर्मूला है, तो ये के क्या हो गया, कूलाम्बिक नियतांक, क्या हो गया नियतांक। अब इस नियतांक की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻¹। तो क्या वैल्यू हो गई इसकी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमने ये वैल्यू लिख ली। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, जब हम ये सारी वैल्यू रखते हैं, सारी वैल्यू रखते हैं और फिर इस फॉर्मूले को देखते हैं, पहले आप ये देख लीजिए जेड क्या होता है, जेड क्या है यहाँ पे, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, क्या है ये, परमाणु क्रमांक, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये हमने पहले सीख रखा है। देखिए इम्पोर्टेंट हमें क्या मिला, ये कोस की संख्या, ये प्लांक नियतांक, तो ये सोल्व हो जाएगा, प्लांक नियतांक की वैल्यू रखेंगे तब, ये क्या है द्रव्यमान वैसे के वैसे रहेगा, ये वैल्यू सोल्व हो जाएगी, ये क्या है परमाणु क्रमांक, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, ये क्या है वैल्यू है, तो ये भी सोल्व हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है वो भी आप लोगों को पता है, वो भी सोल्व हो जाएगा, यानी ये सारी वैल्यू सोल्व हो जाएगी। बचेगा क्या, क्या क्या बचेगा, एक तो एन बचेगा, क्या बचेगा, एन बचेगा, और क्या बचेगा, जेड बचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी आप लोगों को पता है, हमने बात करी थी पिछले लेक्चर में, तो वो भी आपको पता है, यानी देखिए ये सोल्व हो जाएगा, ये क्या है मैथ की कोई डिजिट आएगी उस डिजिट को यहाँ रखोगे, ये भी क्या है मैथ की डिजिट है, ये भी क्या है मैथ की डिजिट है, ये भी क्या है मैथ की डिजिट, और ये भी क्या है मैथ की डिजिट, तो बचा क्या एन स्क्वायर, और बचा क्या जेड, क्या बच गया एन स्क्वायर और जेड, ओनली ये दो ही वैल्यू बची, और बाकी सब कट कटा के सोल्व हो जाएगी। तो फाइनल आंसर क्या आया देखना, बचा क्या एन स्क्वायर, बचा क्या जेड, जेड, और बाकी वैल्यू को काट कटा के आंसर लिखना है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, काट कटा के 0.529 × n² / z, और ये क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, और साथ ही एंगस्ट्रॉम क्या है इसकी इकाई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको मैंने दो फॉर्मूले याद करवा दिए, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, किसी भी आप एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठा लीजिए, ये क्वेश्चन कभी ना कभी मिला होगा। अब देखिए फिर से हम बात करते हैं, ये वैल्यू आपको समझ में आ गई, एन स्क्वायर कहाँ से आया, जेड कहाँ से आया, एन स्क्वायर जेड बाकी वैल्यू कटी तो ये आया, आ गया एन क्या है यहाँ पे, कोस की संख्या है, एन क्या है कोस, ध्यान रखना आप लोग क्या है, कोस है, और जेड क्या है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। अब देखना आप लोग वैल्यू किसमें है, किसमें है एंगस्ट्रॉम में, किसमें है वैल्यू एंगस्ट्रॉम में,
बट एग्ज़ाम में ये एंगस्ट्रोम में नहीं मिलेगा, ये आपको मीटर में मिल सकता है या आपको सेंटीमीटर में मिल सकता है। लेकिन मैंने आपको चेंज करना सिखवा रखा, मैंने आपको सिखाया है कि एंगस्ट्रोम से मीटर बनाते हैं तो 10^-10 से गुणा करते हैं, एंगस्ट्रोम से सेंटीमीटर बनाते हैं तो 10^-8 से गुणा करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये वैल्यू मीटर में बताइए, क्या पूछ लिया जाए कि त्रिज्या आपको मीटर में बतानी है, तो आप क्या लिखोगे? 0.529 गुणा, साथ में लिख लीजिए एंगस्ट्रोम से क्या बनाना है, मीटर। तो एक एंगस्ट्रोम बराबर 10^-10 मीटर होता है, तो अब मीटर बन गया और बचा क्या, n² / z। तो ये क्या आ जाएगा, मीटर में आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्या है, त्रिज्या का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर हम बात करते हैं अगर सेंटीमीटर में पूछ लिया जाए, तो देखिए एंगस्ट्रोम से सेंटीमीटर बनाना है तो 10^-8 से गुणा करना है, तो क्या आएगा आंसर, 0.529 गुणा 10^-8 गुणा n² / z। ये किस में है, सेंटीमीटर में, किस में है, सेंटीमीटर में। तो ये भी आप लोगों की क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। तो यहाँ से त्रिज्या का फॉर्मूला बनता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये वाला फॉर्मूला भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अभी हम क्वेश्चन की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हम इन दोनों को समझने के बाद करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझना है, इस फॉर्मूले को रट लेना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रट लीजिए, चाहे कैसे भी करके इसको याद कर लीजिए। और ये एंगस्ट्रोम मत भूलना, मीटर मत भूलना, सेंटीमीटर मत भूलना, वरना आंसर 101% रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के वेग की। इतनी देर तक क्या बात करी, त्रिज्या की, कि त्रिज्या कैसे निकालें। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के वेग की। देखिए इलेक्ट्रॉन का वेग कहाँ से आएगा, जैसे हमने इस प्रकार त्रिज्या निकाला वैसे ही देखिए आप यहाँ पे वी आ रहा है, ये क्या है वी, इस V को इधर रखो, बाकी सारी जो ये यूनिट्स है, जो ये सारे के सारे यहाँ पे डिजिट हैं, इनको सबको उठा के उधर रख दो। तो V को एक साइड कर लिया और बाकी सबको दूसरी साइड कर लिया। आप जैसे दूसरी साइड करोगे तो वैल्यू ये आएगी, V बराबर डायरेक्ट याद कर लो 2.188 × 10^6 × z/n मीटर पर सेकेंड। ये भी फॉर्मूला क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किसका फॉर्मूला है, वेग का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, वेग, कि इलेक्ट्रॉन कितने वेग से क्या करता है, गति करता है। तो ध्यान रखना फॉर्मूला कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। ये जो वी है, ये वी आपको एक साइड रखना है, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाना है, फिर इनको इसी वे में सोल्व करना है। तो क्या आ जाएगा, वेग का फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे आया से मतलब नहीं है, फॉर्मूले से मतलब है कि याद है या नहीं है। देखिए क्या फॉर्मूला है, 2.188 × 10^6 × z/n। क्या फॉर्मूला है, 2.18 × 10^6 z/n। यूनिट जरूर ध्यान रखना किस में है, मीटर पर सेकंड में। किस में है, मीटर पर सेकंड में। ये यूनिट आपको सेंटीमीटर में भी दे सकता है, तो आपको चेंज करना आना चाहिए। जैसे अभी हमने यहाँ पे चेंज किया, वैसे ही अभी आपको नेक्स्ट में यहाँ पे भी चेंज करना है। अगर मैं क्वेश्चन देऊँ, अगर क्वेश्चन देऊँ कि बताइए वेग, क्या क्वेश्चन देऊँ, इलेक्ट्रॉन का वेग बताइए, इलेक्ट्रॉन का वेग बताइए पहली कक्षा में हाइड्रोजन के लिए सेंटीमीटर पर सेकंड में। क्या बोल दिया, सेंटीमीटर पर सेकंड में, और आपने यही फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाला मीटर पर सेकंड में। मैंने क्या पूछा था, सेंटीमीटर पर सेकंड में, लेकिन आपका क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि आपने किस में निकाला है, मीटर में। तो यूनिट का खास कर ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि यूनिट काफ़ी बार नेगेटिव में हमें ले जाती है। तो ये हो गया अपना वेग। फिर देखिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना करते हैं। देखिए जो ऊर्जा वाला टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे दो ऊर्जा होती है, एक तो गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। जो ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं टोटल ऊर्जा। क्या बोलते हैं, टोटल ऊर्जा यानी कुल ऊर्जा। हमें क्या निकालना है, कुल ऊर्जा को निकालना है। कुल ऊर्जा किसके बराबर है, स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा। जब हम गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा को आपस में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलती है, फाइनल ऊर्जा। और फाइनल ऊर्जा का सूत्र क्या है, ये सूत्र है −13.6 × z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, −13.6
गुणा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये यूनिट भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि क्या होता है ऊर्जा और क्या होता है वेग और क्या होती है त्रिज्या। तो देखिए ऊर्जा कैसे बनती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। जब गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग करते हैं तब हमें ये ऊर्जा मिलती है, और ये ऊर्जा क्या हो गई, माइनस 13.6 गुणा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्या हो गया, माइनस 13.6 गुणा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये जो तीन फॉर्मूले हैं, वो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। पहला फॉर्मूला क्या था त्रिज्या का, क्या था फॉर्मूला, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। दूसरा क्या था वेग का, 2.188 इंटू 10^6 जेड अपॉन एन। तीसरा क्या फॉर्मूला था ऊर्जा का, माइनस 13.6 गुणा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब देखिए काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे भी एन स्क्वायर अपॉन जेड है, यहाँ पे जेड अपॉन एन है, यहाँ पे जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है, तो याद कैसे करें। तो देखिए मैंने जो ट्रिक बना रखी है वो सुनिए आप लोग, मैंने क्या कर रखा है, जब हम ये फॉर्मूला याद करते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है याद करना, जब हम ये याद करते हैं तो यहाँ से हमें पता लग जाता है एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो एन स्क्वायर अपॉन जेड यहाँ से पता लग गया, और आगे ये वाला याद करना पड़ेगा 0.529, ये हो गया। फिर हम बात करते हैं वेग की, किसकी बात करते हैं वेग की। देखिए वेग की बात हमने दूसरे नंबर पे करी है, पहले नंबर पे त्रिज्या की करी थी, दूसरे नंबर पे वेग की करी थी। दूसरे नंबर पे करिए, इसका मतलब यहाँ पे दो जैसी वैल्यू आएगी, तो दो जैसा क्या होता है जेड, तो ऊपर जेड आ गया तो अपने आप नीचे क्या आ जाएगा एन, क्या आ जाएगा एन। तो ये वैल्यू भी आपको याद हो गई, बस आगे वाला ये याद करना है, बस कन्फ्यूजन यही रहता है। फिर देखिए सबसे लास्ट में हमने ऊर्जा की बात करी थी, किसकी बात करी थी ऊर्जा की, तो सबसे लास्ट में है इसलिए जो ये वाली वैल्यू थी उस इसके दोनों पे ही क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो, क्या लगा दो स्क्वायर, तो दोनों पे हमने क्या लगा दिया स्क्वायर लगा दिया। तो क्या होगा, यहाँ पे तो एन स्क्वायर अपॉन जेड आएगा, यहाँ पे जेड अपॉन एन आएगा, और यहाँ पे नीचे वाले में जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने तीनों फॉर्मूले याद कर लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। यहाँ से आप जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही आपसे जो एग्ज़ाम की प्रैक्टिस होगी वो ज़्यादा होगी। देखिए हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा आप लोग, आपका क्वेश्चन है हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट सेकंड व थर्ड कोस की त्रिज्या बताइए। क्वेश्चन है हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट सेकंड व थर्ड कोस की त्रिज्या बताइए। सोचिए आप लोग कैसे करेंगे इसे सॉल्व, जल्दी से सोचिए। देखिए हम करते हैं पहले सॉल्व, आप लोगों के दिमाग में कुछ आया होगा। पहली बात तो पूछा क्या है ये पता होना चाहिए, पूछा क्या है त्रिज्या, लिख दो यहाँ पे त्रिज्या, त्रिज्या लिख दिया, तो त्रिज्या का फॉर्मूला भी लिख दो। फॉर्मूला क्या था, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यही था अपना फॉर्मूला। चलिए जी हमने फॉर्मूला लिख लिया। फिर है कि दिया हुआ क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो लिख लो हाइड्रोजन दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, दो दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, तीन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब देखिए हाइड्रोजन है मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक यानी जेड कितना है, 1, तो जेड हमें मिल गया। फिर क्या है एन, एन मतलब कोस,
तो ये क्या है, फर्स्ट कोस, क्या है ये, फर्स्ट कोस है, तो एन कितना हो गया, वन। ये कौन सा है, सेकंड कोस है, तो एन कितना हो गया, टू। ये कौन सा कोस है, थर्ड कोस है, तो एन कितना हो गया, थ्री। तो देखिए एक बार आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एन की जगह वन, फिर एन की जगह क्या लिखोगे, टू, फिर एन की जगह क्या लिखोगे, थ्री, और जेड सब में क्या रहेगा, एक। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्व करते हैं फर्स्ट कोस के लिए, तो क्या आएगा, आर, वन लिख दीजिए यहाँ पे, अपन क्या लिखते हैं त्रिज्या की जगह, आर एन ही तो लिखते हैं, आर एन। तो पहले कोस के निकाल रहे इसलिए आर वन लिख देना, दूसरे कोस के आर टू, तीसरे कोस के आर थ्री, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर वन आ गया। आर वन क्या फॉर्मूला है, पॉइंट 529 इंटू एन, एन कितना है, फर्स्ट कोस मतलब एन कितना है, एक, तो क्या लिखोगे, एक का स्क्वायर, अपॉन जेड कितना है, हाइड्रोजन के लिए है तो जेड कितना होगा, वन, तो वन। तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, एक का भाग लगाते हैं तो भी क्या आएगा, एक ही आएगा, मतलब फाइनल वैल्यू क्या बची, पॉइंट 529, तो आर वन क्या आएगा, पॉइंट 529 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड देखिए, समझ में आया होगा आप लोगों को, सेकंड देख लेते हैं अपन एक बार और, क्या निकालना है, एन टू के लिए निकालना है, तो इस एन की जगह टू, तो आर टू आ गया। फिर देखिए आर टू आने के बाद आप लोग देखिएगा क्या है, पॉइंट 529 इंटू एन की जगह कितना आएगा, दो, तो दो का स्क्वायर, बस यहाँ पे एन की जगह क्या लिख दिया, दो, और ये स्क्वायर था ही, दो का स्क्वायर। फिर जेड की जगह कितना आएगा, जेड कितना है, वन ही है, वन लिख दिया। तो आप सॉल्व करोगे तो दो दूनी कितना होता है, चार, तो पॉइंट 529 इंटू चार, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आप इसे गुणा कर लेना, जो आंसर आए वो हो जाएगा। फिर देखिए हम इसकी बात करते हैं तीसरे कोर्स के लिए, आप लोग सोचो तीसरे कोर्स के लिए क्या आंसर आएगा, क्या आएगा, क्या लिखोगे, पहले तो आर थ्री लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, पॉइंट 529, फिर इस एन की जगह कितना लिखोगे, तीन, फिर इस जेड के लिए कितना लिखोगे, वन, फिर तीन तीन कितना होता है, नौ, यानी नौ गुणा पॉइंट 529 आंसर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर थ्री, फिर क्या लिखेंगे, पॉइंट 529, फिर क्या लिखेंगे हम, एन की जगह थ्री, तो थ्री के ऊपर क्या है, स्क्वायर, फिर जेड कितना लिखेंगे, वन। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तीन ती क्या होगा, नौ, तो पॉइंट 529 गुणा नौ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इस प्रकार आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आज हम ओनली त्रिज्या के क्वेश्चन ही करेंगे, कल हम वेग के क्वेश्चन करेंगे और ऊर्जा के क्वेश्चन करेंगे, और ऊर्जा में हम गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा को भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का तो लेक्चर ओनली त्रिज्या के क्वेश्चन का ही है। तो देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के पास, सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है हीलियम प्लस के सेकंड कोस की त्रिज्या, क्या पूछी है, हीलियम प्लस के सेकंड कोस की त्रिज्या पूछी है। तो आप बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, सोचिए जल्दी से, हीलियम प्लस के सेकंड कोस की त्रिज्या, जल्दी से सोचिए। तो आप लोगों ने सोचा होगा, सॉल्व करने का तरीका क्या बताया मैंने, जो पूछा है उसको पहले चेक करो, क्या पूछा है, त्रिज्या, तो यहाँ पे लिखो त्रिज्या, त्रिज्या लिखा तो अकेले त्रिज्या लिख के क्या करोगे, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या है, पॉइंट 529 गुणा एन स्क्वायर अपॉन जेड इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये क्या हो गया, त्रिज्या का फॉर्मूला हो गया। फिर आपको दिया हुआ क्या क्या है, क्या दिया हुआ है, हीलियम प्लस, तो लिख दो दिया हुआ है हमें, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हीलियम प्लस दिया हुआ है, हीलियम प्लस दिया हुआ है, मतलब जेड कितना है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, हाइड्रोजन हीलियम दो,
तो जेड कितना हो गया, दो। फिर है सेकंड कॉस, क्या दिया हुआ है, सेकंड कॉस, सेकंड कॉस मतलब एन बराबर कितना हो गया, दो। सेकंड कॉस मतलब एन बराबर कितना हो गया, दो। तो ये आपको दिया हुआ है और आपसे त्रिज्या पूछी है, तो ये वैल्यू तो है ही, एन की जगह कितना आएगा, दो, जेड की जगह कितना आएगा, दो। जो आंसर होगा वो आप लिख लीजिएगा। तो हम क्या लिखेंगे, आर टू, क्योंकि एन कितना है, दो है, तो आर हम लिखते हैं, तो एन की जगह क्या लिख दोगे, टू। तो आर टू क्या होगा, पॉइंट 529 गुणा एन स्क्वायर की जगह कितना आएगा, दो, दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर अपॉन जेड की जगह कितना आएगा, दो, ये आ गया। अब देखिए हम एक टू से एक टू काट लेते हैं, तो बचा कितना, पॉइंट 529 गुणा दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और देखिए आपकी इसमें मैथ भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, काटना वगैरह आपको आना चाहिए। अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्या लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, लिथियम प्लस टू व हीलियम प्लस की त्रिज्या का अनुपात होगा सेकंड कोस के लिए, क्या पूछा गया है, लिथियम प्लस टू व हीलियम प्लस की त्रिज्या का अनुपात होगा सेकंड कोस के लिए। तो देखिए क्या पूछा गया है, अनुपात पूछा गया है। देखिए आजकल अनुपात के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है, वहाँ तक पहुँचना है। क्या पूछा है, त्रिज्या, तो त्रिज्या का पहले क्या लिख लो, सूत्र लिख दो, पॉइंट 529 गुणा एन स्क्वायर अपॉन जेड इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये क्या लिख दिया, त्रिज्या का सूत्र लिख दिया। अब देखिए आपसे अनुपात पूछा है, तो अनुपात यानी ये साइन लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये त्रिज्या किसकी है, लिथियम प्लस की है, लिथियम प्लस टू की है, और ये जो नीचे वाली त्रिज्या होगी वो किसकी होगी, हीलियम प्लस की होगी। और ये नीचे वाला जो पॉइंट 529 गुणा एन स्क्वायर अपॉन जेड होगा, ये भी किसका होगा, हीलियम प्लस का। पूछा क्या है, अनुपात, तो एक त्रिज्या बटे में दूसरी त्रिज्या, तो ये क्या बन गया, अनुपात। अनुपात ऐसे ही तो बनाते हैं, ये इसकी वैल्यू और ये इसकी वैल्यू, बीच में क्या लगा दो, अनुपात वाला साइन यानी भाग वाला साइन, वो अनुपात बन गया। अनुपात कुछ नहीं है, ये वैल्यू भाग दे दो इसका इसका, तो ये हो गया। अब देखिए लिथियम प्लस टू है, हीलियम प्लस है, ये लिथियम की वैल्यू है, ये हीलियम की वैल्यू है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए आप लोग देखना, इसको मैं मिटा दूँ, ये इकाई है, इकाई से मतलब नहीं है, मैंने मिटा दिया मान लीजिए। अब देखिए आप लोग, त्रिज्या को मैं आर लिख दूँ, किसके निकाल रहे हैं, लिथियम की, तो लिथियम प्लस टू लिख दिया, इसको मैं आर लिख दूँ और हीलियम प्लस लिख दूँ, लिख दिया। अब देखिए ये क्या है, पॉइंट 529, तो पॉइंट 529 इंटू एन स्क्वायर। अब ये किसका एन स्क्वायर है, लिथियम वाले का है, और पूछा किसके लिए है, सेकंड कोस के लिए, तो एन कितना है, सेकंड, क्योंकि सेकंड कोस के लिए, तो एन की जगह कितना लिखोगे, दो, तो ये दो का स्क्वायर हो गया। अपॉन में क्या है, जेड, पूछा किसके लिए है, लिथियम का चल रहा है, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तीन, तो अपॉन में क्या लिखोगे, तीन। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला भाग वाला साइन आएगा। फिर देखिए फिर से लिखो, पॉइंट 529 गुणा, अब हम हीलियम की बात कर रहे हैं, कोस कौन सा है, दूसरा ही है दोनों के लिए, तो एन की जगह तो दो आ गया। जेड कितना होता है हीलियम का, हाइड्रोजन हीलियम, दो। तो इस प्रकार हमने ये वैल्यू लिख ली। अब देखिए आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए, ये तो आप लोगों को आता ही होगा, ये जो वैल्यू है इसको या तो पूरा उल्टा करके लिख लीजिए या कैसे भी लिख लीजिए, जो आपका आंसर आएगा
जो आपका आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुपात। सॉल्व कर लेना, ये क्या हो गया, दो दूनी चार हो गया, चार बटे तीन हो गया, ये दो दूनी चार बटे दो, दो से दो कटा। चलो हम ही सॉल्व कर लेते हैं इसे। पॉइंट 529 इंटू चार बटे तीन, इस पूरी वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं तो ये बन गया 2/.529 इंटू चार, ये वैल्यू बन गई। देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, अनुपात क्या बचा, 2:3। तो अनुपात क्या आएगा, 2:3। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया, क्या आ गया, आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसी वैल्यू सोल्व करना आपको आती होगी। क्या करना है, इसको ले जाके उल्टा कर देना है, तो 2 ऊपर की साइड रह गया, बाकी सारी वैल्यू नीचे की साइड रह गई, और क्या आंसर आ गया, 2:3। तो यहाँ पे आंसर अपना हो गया 2:3। तो इस प्रकार आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, जरूरी नहीं है लिथियम हीलियम का पूछे, आपसे बेरिलियम लेके भी पूछा जा सकता है, और आपसे मतलब कोई भी, यहाँ सेकंड कोर्स जरूरी नहीं है, थर्ड कोर्स, फोर्थ कोर्स, मतलब कुछ भी देखे पूछा जा सकता है। पर उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार हमारा ये जो त्रिज्या वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था त्रिज्या वाला, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और फ्यूचर में भी यहाँ से 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा।